साथियों नमस्कार। आज रेलवे न्यू अपडेट सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकॉन बेल बटन को भी दबा दे, जिससे जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप देख सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। अब आते हैं हमारे विषय WDG4 WDP4 HHP। लोगों में MR प्रेशर नहीं बनता है या कम बनता है तो क्या करें, ट्रबल को कैसे सूट करें। तो साथियों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रबल MR प्रेशर के संबंधित बहुत ही आसान है। बस आप करें क्या, सबसे पहले आप अपना धैर्य बना के रखें, आप धैर्य ना कहें खोए। जब भी ट्रबल सूट आती है तो मैं अक्सर लोको पायलट को देखता हूँ, वो अपना धैर्य खो देता है और उसी में हड़बड़ाहट में ही उसकी ट्रबल सूट समय से नहीं हो पाती है, या नहीं हो पाती है या समय से नहीं हो पाती है, दोनों बातें। तो मैं आज आपको बताऊंगा इसमें MR प्रेशर नहीं बनता है या कम बनता है तो उसको कैसे ट्रबल शूटिंग को कैसे ट्रबल शूट करेंगे। तो बहुत आसान है, इसके संबंध में आप बिल्कुल घबराएं नहीं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। करना क्या है इसके संबंध में, अंडर ट्रैक में जाइए, अंडर ट्रैक में चेक करिए BP, FP, MR, BC कॉक बंद होना सुनिश्चित करें, बंद नहीं है तो बंद करें। साथियों, ऐसा है MR प्रेशर नहीं बन रहा है किसी भी कारण से, तो सबसे पहले आप अंडर ट्रैक में BP, FP, MR, BC इक्वलाइजिंग पाइप के कॉकों को बंद होना सुनिश्चित करिए, उनको बंद कर दीजिए, बंद नहीं है तो उनको बंद करो, तो पता लग जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वो पकड़ में आ जाएगी आराम से। ये कॉक बंद नहीं है तो आप इनको एक बार बंद करिए और फिर देखिए MR प्रेशर बनता है नहीं है। यदि MR प्रेशर बन जाता है तो आपके लोको में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ट्रेन में फीड पाइप से लीकेज है तो फीड पाइप एंगल कॉक बंद करें और ट्रेन सिंगल पाइप से कार्य करें। यदि आपने देखा कि ट्रेन के फीड पाइप में लीकेज हो गया कहीं पे, तो आप क्या करेंगे उसमें, ऐसे समय में आप फीड पाइप को बंद कर दीजिए और BP के ही प्रेशर से आप गाड़ी को ऑपरेट करिए, चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। वही थोड़ा रिलीजिंग में थोड़ा ज़्यादा समय लेगा तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप परफेक्ट लोको पायलट हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिंगल पाइप से भी वर्किंग कर सकते हैं, आप कहोगे लोड बड़ा है, नहीं ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप अरेंज करिए उसे और गाड़ी को चला सकते हैं आराम से। यदि ट्रेन में फीड पाइप का लीकेज है तो आप सिंगल पाइप वर्किंग कर सकते हैं, फीड पाइप के कॉक को बंद कर दीजिए। और यदि इंजन में आपको फीड वाल के आसपास या कहीं से लीकेज मिलता है, बहुत कम चांस है, तो आप वहां से उसे बंद करने की कोशिश करिए। नहीं बंद होता है तो आप फीड वाल से भी बंद कर सकते हैं फीड पाइप के प्रेशर को और सिंगल पाइप में वर्किंग कर सकते हैं। और अगला पॉइंट, यदि एयर ड्रायर से लीकेज है तो सर्किट ब्रेकर पैनल में लगे एयर ड्रायर सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर दीजिए। यदि आप उसे बंद कर देंगे तो एयर ड्रायर काम करना बंद कर देगा और वहां से जो लीकेज है वो बंद हो जाएगा, आपका MR प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। करना क्या है, यदि एयर ड्रायर से लीकेज है तो सर्किट ब्रेकर पैनल पर जाइए, वहां पर एयर ड्रायर सर्किट ब्रेकर पर मिलेगा, सर्किट ब्रेकर को आप ऑफ कर दीजिए, आपका MR प्रेशर बन जाएगा और आप आगे ट्रेन वर्क करिए। उसका मैसेज आपको मिलता रहेगा कंप्यूटर पे, आप उसको इग्नोर करते रहिए। अंडर ट्रैक में MR टैंक के ऑटो ड्रेन वाल्व, राडार ब्लो पाइप से सेंडर कूलिंग, सेंडर से कूलिंग कॉइल से एयर लीकेज चेक करें। यदि लीकेज है तो उसे बंद करने की कोशिश करें, यदि आपने बंद कर दिया तो आपका MR प्रेशर बन जाएगा, नहीं बंद कर पाएंगे तो आपका MR प्रेशर कम बन रहा है तो कम बनेगा और नहीं बन रहा है तो नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अंडर ट्रैक में MR टैंक के ऑटो ड्रेन वाल्व, राडार ब्लो पाइप, सेंडर्स, कूलिंग कॉइल से एयर का लीकेज चेक करेंगे। यदि लीकेज है तो उसे बंद करेंगे और बंद नहीं कर पाए, कम बन रहा है तो कम, नहीं बन रहा है तो नहीं होगा। आपको सबसे इसमें महत्वपूर्ण आप समझ रहे हैं, लीकेज को बंद करना होगा। यदि लोको में एयर लीकेज है तो इंजन के RPM बढ़ जाते हैं, जांच करें, लीकेज को बंद करें।
यदि आपके लोको के सिस्टम में कहीं भी एयर का लीकेज है तो आप उसकी जांच करिए और उसे बंद करिए, आपका MR प्रेशर कंटेन हो जाएगा। कंप्रेसर से सामान्य आवाज़ की जांच करें, कंप्रेसर रूम में जाएं, कंप्रेसर रूम के दरवाजे खोलें और चेक करें कोई कंप्रेसर रूम से सामान्य आवाज़ तो नहीं आ रही, इसकी जांच करें। इंटरकूलर सेफ्टी वाल्व ब्लो होना चेक करें, यदि ब्लो कर रहा है, यदि असामान्य आवाज़ आ रही है तो लोको को फेल कर दें और अपने कंट्रोल को सूचित कर दें। अब आप कंप्रेसर रूम में असामान्य आवाज़ की जांच करें, यदि आपको ऊपर खटपटा महसूस हो रहा है आप उसको बंद कर सकते हैं तो बंद कर दीजिए आवाज़ को, लेकिन ऐसा कुछ भी संभव नहीं है उसमें, असामान्य आवाज़ अंदर सिलेंडर के अंदर से आएगी, उसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे। इंटरकूलर सेफ्टी वाल्व ब्लो होना चेक करें, इसके संबंध में आप कुछ कर सकते हैं। इंटरकूलर का सेफ्टी वाल्व ब्लो कर रहा है तो आप उसको एक बार दो बार थोड़ा टैप करके देख लीजिए, जो हमारा देसी तरीका है उस तरीके से उसे टैप करेंगे। यदि उसका सेफ्टी वाल्व ब्लो हो जाना बंद हो जाता है तो ठीक है, नहीं बंद होगा और ऐसा मान्य आवाज़ आ रही है तो लोगों को फेल कर दीजिए और कंट्रोल को सूचित कर दीजिए। कंप्रेसर रूम में लगे MRPT कॉक को बंद करेंगे, कॉक के पास लगे टेस्ट प्लग को दबाकर ड्रेन करें, नमी को ड्रेन करें वहाँ से। जब MR सेफ्टी वाल्व ब्लो होना लगे तो MRPT कॉक को खोल दें। वहाँ पे करना क्या है, कंप्रेसर रूम में आप जाएंगे, कंप्रेसर रूम का दरवाज़ा खोलेंगे, कब उसी के दरवाजे की दीवार के पास में MRPT लगी हुई है, MRPT कॉक को बंद कर देंगे। उसी के पास में एक टेस्ट प्लग लगा हुआ है, उसको दबाकर जो उसमें नमी होगी उसको ड्रेन कर देंगे। जब MR सेफ्टी वाल्व ब्लो करने लग जाए तो कॉक को खोल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे MRPT कॉक से क्या होगा, MRPT कॉक को आप बंद कर देंगे तो जो लोडिंग अनलोडिंग कंप्रेसर में जो लोडिंग अनलोडिंग की प्रक्रिया होती है वो बंद हो जाएगी, लगातार लोडिंग होती रहेगी, जिससे आपके कंप्रेसर पे लगातार दबाव बना रहेगा और कंप्रेसर गर्म होकर उसमें आग भी लग सकती है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है MRPT को कंटिन्यू बंद करके ही कार्य करते रहते हैं लोग, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे में नहीं कार्य करना चाहिए, क्योंकि उससे कंप्रेसर में बहुत भारी दबाव होता है और कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। आप फिर भी संबंधित हो जिस लोगों को वर्क कर रहे हैं उसको होम साइड से बात कर लीजिए, सब पे आजकल नंबर लिखा रहता है कंप्रेसर वाले SSC से या DME से, वो बता देंगे वहाँ के कि मतलब MRPT को बंद करके क्या आप इसमें कार्य कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम अक्सर नहीं करना चाहिए। आप इसको चेक कर सकते हैं, कंप्रेसर रूम में MRPT कॉक को बंद करिए और उसके पास में एक टेस्ट प्लग लगा हुआ है उसको दबाइए, नमी को ड्रेन करिए, जब MR सेफ्टी वाल्व ब्लो करने लगे तो MRPT के कॉक को खोल दें। ये ऑफिशियल तरीका तो यही है, बाकी आप देख लीजिए क्या MRPT को यदि ब्लॉक सेक्शन में है तो MRPT को बंद करके आप ब्लॉक सेक्शन तो क्लियर कर ही सकते हैं, और यदि शेड अलाउ करता है तो आप इसे वर्क भी कर सकते हैं, कई बार वर्क किया भी है लोगों ने। MBCC वाल पर लगे टी हैंडल को आप दबा कर रिलीज करें, यदि उसमें प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी। MBCC वाल्व MRPT के पास में ही लगा हुआ है, दूसरी वाली दीवार पे MBCC वाल्व पर लगे टी हैंडल को दबा कर रिलीज करें। महत्वपूर्ण सेंडर या हॉर्न लगातार कार्य कर रहे हैं तो MR1J फिल्टर का कॉक बंद करें और MR1J फिल्टर से हवा ड्रेन करें, दोबारा MR1J फिल्टर का कॉक खोल दें। ऐसे में सेंडर और हॉर्न अपने प्रॉपर वर्किंग में आ जाएंगे और लगातार कार्य नहीं करेंगे, जिससे जो MR प्रेशर कम हो रहा था या नहीं बन रहा था वो समस्या सॉल्व हो जाएगी, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। करना क्या, सेंडर या हॉर्न लगातार कर रहे हैं तो MR1J फिल्टर का कॉक बंद करें और MR1J फिल्टर की हवा को ड्रेन करें, दोबारा MR1J फिल्टर की कॉक को खोल दें। इसकी वजह से जो प्रेशर नहीं बन रहा था, कम बन रहा था, वो ट्रबल सूट हो जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। और आखिरी और अंतिम तरीका, यदि कोई भी तरीका आपका ऊपर वाले काम नहीं कर रहे या उनमें कोई ट्रबल नहीं है तो आप अंतिम क्या करेंगे, कंप्यूटर सर्किट ब्रेकर को रिसाइकिल करेंगे
बहुत ही आसान है। आपको सर्किट ब्रेकर कैसे रिसाइकिल करना है इसके संबंध में आप सर्किट ब्रेकर रिसाइकिल वीडियो देख सकते हैं। तो ये था आज के रेलवे न्यू अपडेट चैनल पे एमआर प्रेस एचएचपी लोको में एमआर प्रेशर ना बनने कम बनने के ट्रबल शूट को कैसे शूट करेंगे के संबंध में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।